नाश्ता आ चुका है और मुझे खुशबू आ रही है खाने की। देखो कान के छेद फिर से बंद हो गए थे, दोबारा छेद कर रखे हैं। बहुत कष्टकारी है दोस्तों, 10 दिन से यहाँ रह रही है। और अभी क्या क्या कर रही है एंजल? देखेंगे क्या खाना आया है। अब हम देखेंगे क्या खाना आया है। नाश्ता हम करने लग गए हैं। ये बनिया अच्छा बनिया आलू पनीर, आलू टमाटर पनीर, पता नहीं क्या है, कुछ ऐसी सब्जी है ये। कुछ लोग वहाँ पे खा रहे हैं और कुछ लोग ये खा रहे हैं। ये खा रही है अंजल, पूरी चाहिए, छोले नहीं चाहिए। तो बच चुका है 10:30 और विवान उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या हो गया? इन्नी निन्नू को आई, निन्नू आई चू, निन्नू आई चू, काकी का एक और नाखून गया। काकी का वन मोर नाखून गॉन। पता भी नहीं चला कब निकला, पता तो चलता। और दोस्तों कुछ लोग यहाँ पे अभी बर्तन की संख्या ज्यादा हो गई है तो धोने बैठे हैं। काकी का एक और नाखून गया और कहा गया पता ही नहीं है। कपड़े दोस्तों नाखून की तलाश जा रही है, जहाँ तहाँ नाखून ही ढूंढना है। इससे तो अच्छा दोस्तों अपने नाखून बढ़ाए जाते तो ये कोई टेंशन इंच नहीं होती। दोस्तों सब जगह जा रहे हैं नाखून ढूंढने, पर नाखून एक ही मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ से नीचे भी जा सकता है। अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले सोफे में देख, सोफे पे जी के दिमाग पे एक क्वेश्चन आया है। अगर तू इस मौके पे गोल हो जाए, यहाँ ताला पीछे से भाग जाए और यहाँ पे लॉक कर जाए तो क्या होगा? तुझे अभी दरवाजा लॉक था, तू जैसा आया गया तेरे दिमाग में ख्याल भाग नहीं होगा तो मैं आज के दिन का इंतजार करूंगी। दोस्तों मैं कब की भाग चुकी होती रितिका, कल आएगी, कल आएगी। तो यहाँ पे हमारे खटीमा वाले मेहमान भी आ चुके हैं। ये देखिए, ये रहे जय जी का सुनना भाई, वो कहाँ है वो देखो क्या कर रहा है, नहा रहा है क्या? तो तमन्ना थी ना इनसे मिलने की, जिस हिसाब से मिलने की। ये देखो ये खटीमा वाले लोग आ चुके हैं। ये देखो क्या बताया, वो मैं क्या बताया, तू कितनी छोटी क्यों हो गई आज, छोटी क्या हो गई हो? ये मैं देखिए पापा की है, तो बराबर बराबर तो है तू और मैं, छोटी कहाँ से हो गई। तो तुम्हें कैसा लग रहा है लोहाघाट पहुँच गए आखिरकार? तुम लोहाघाट पहुँच की तो अच्छा लग रहा है, कल जब तू रोएगी ना तब बताऊंगी। अच्छा, और अगर मैं हंस रही हूँ तो हंसेगी नहीं तू, हंसेगी नहीं। अब मैं जा रही हूँ पार्लर। कितने बजे जब हम जाने लग गए हैं पार्लर, सारा सामान लेके मम्मी को बस हेयर स्टाइल बनानी है। चलिए तो फाइनली मैं रेडी होके आ चुकी हूँ और अब ये लोग रिव्यूज देंगे कि मैं कैसी लग रही हूँ। कैसी लग रही हूँ बता मुझसे जल्दी। ठीक लग रही हूँ इसे दोस्तों, दिस इज माई लुक। और ये मैं ऐसे बैठी हूँ यहाँ पे इतना फुल होके, बारिश आने लग गई है ये देखो। और ये कुछ कह रहे हैं कि ये क्या है, ये फूल है। ये कहना चाह रहे हैं कि ये ब्लेसिंग्स है, लेकिन ये देखो छींटे पड़ने लग गए। और मैं यहाँ पे कब से वेट कर रही हूँ फोटोग्राफर भैया का और ये अभी तक आए नहीं है। मेरा मूड खराब होने लग गया इनको देख के। किसी भी शुभ काम में ना अगर बारिश हो तो स्टार्टिंग में पड़ा है। हाँ बस ठीक है, ये चार ही बूंदे पड़नी चाहिए, चार ही बूंदे, ऐसा नहीं है तो नहीं है, चार ही बूंदे। फोटोशूट छोटी का लोकेशन भी नाइस। दोस्तों आ चुकी है मेरी फ्रेंड्स, आज भी नहीं छोड़ेगी। तुम सही टाइम पे आए हो भाई। क्यों भाई? मम्मी आ तो गई है, अभी महसूस हो रही थी है कितनी सुंदर लग रही है। पहले ग्रीट तो कर दो, चला बहुत बहुत बधाई हो गई। तो मैं अपने
आ चुकी हूँ। पानी कैसे पीऊँ, पिया नहीं जा रहा है। ये स्मार्ट बॉय आ गया दादी के साथ। तेरी मम्मी दादी नहीं लग रही है यार। तो म्यूजिक वाली मैम भी आ चुकी हैं। तुमने अपने नवोदय वाला शुरू कर दिया क्या यहाँ पे? खोलो दोस्तों, आ चुके हैं। स्टार्ट आयू। रोगी रोगी अच्छा, गुड वर्क। हाँ मौसी, चुंबी कहाँ गई? आई यू चुंबी कहाँ गई? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय लवली। मेकअप खराब हो जाएगा, मत कर। तुझे तू क्यों नहीं दौड़ी है? फोटो खींच ले। आ चुकी है दोस्तों, ये इसके लिए फिर से थोड़ा जगह बना देने पर बैठ जाएगी। नीचे अच्छी लग रही है ना? सब कर ली तू करी पर थोड़ा वे तू रखी मैनू फुला वांगरा, तू रखी मैनू फुला वांगरा, तू रखी मैनू फुला वांगरा, तू रखी मैनू फुला वांगरा। आ चुकी है दोस्तों, 6 बजे आई है, 6 बजे आई है, 6 बजे। घर पता नहीं ये कब शुरू हुआ, संगीत कब खत्म हुआ, मेरे तो समझ ही में नहीं आया। और अब मैं आ गई हूँ अपना बाकी का फोटोशूट कराने के लिए यहाँ पे। हम लोग चेंज